दोस्तों हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त और जिगर जान क्या बताऊं अभी उसके बारे में आपको, बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा कंचन पगारे। एक ऐसा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में कि इसने बहुत सारी एड्स की है, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है उसने। और तो और उसने, आपको सबसे ज़्यादा पता होगा खट्टा मिट्ठा मूवी, खट्टा मिट्ठा मूवी में उसने बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर किया था और वही आज हमारे साथ में। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों के जवाब वो देगा और मैं बहुत अच्छा दोस्त हैं। सो काफ़ी मूवीज़ की है, काफ़ी मराठी मूवीज़ काफ़ी सारी की है। तो हमारे साथ में काफ़ी सारी मूवी जिन्होंने की है कंचन पगारे, बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। और उसने काफ़ी सारे मराठी कमर्शियल शोज़ भी किए हैं, 5 मराठी सीरियल्स भी किए हैं, 350 एड्स किए हैं जिसमें उन्होंने बच्चन साहब के साथ शाहरुख खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, काफ़ी सारी एड्स की है उन्होंने, काफ़ी सारी प्रियदर्शन सर के साथ काफ़ी मूवीज़ की है उन्होंने, रंगरेज, मर्दानी, डॉली की डॉली, गब्बर, कैलेंडर गर्ल्स, ग्रैंड मस्ती, सुपर नानी और रावड़ी राठौर, धमाल 2, दिल तो बच्चा है जी, आक्रोश, डॉन, खट्टा मिठा, चैतन्य महाप्रभु, आमिर, 1:40 की लास्ट लोकल, काफ़ी सारी मूवीज़ की उन्होंने, काफ़ी सारी। सो कंचन को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हाय भाई, क्या हाल है बड़ी? बस बढ़िया, तुम कैसे हो? व्हाट्सअप भाई, व्हाट्सअप चल रहा है। लॉकडाउन भाई, थैंक यू टाइम दिया तूने मेरे को इतना। थोड़ा टेक्निकल इशू था, मेरा ट्राइपॉड खराब हो गया तो इसलिए मैं थोड़ा हाथ में लेके कर रहा हूँ लाइव। ठीक है, कोई नहीं, पिलोस कोई नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, उसको सेट करूँ ठीक से। सो दैट ठीक है, थोड़ा सा लाइट में आए वैसा करना कंचन। मैं लाइट में ही हूँ रे, मैं लाइट थोड़ा सा कम पड़ रहा है। ये दे करेक्ट, ये कड़ाके बा भाई, ये कड़ाके बस चले गए। राइट ये चलेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइट कम है लेकिन चल जाएगा, वांदा नहीं। ये घर का लाइट है, अजून ठेव जर, ये किलो स्टेस हो गया, सगळे ठेव। अभी तेरे बारे में बता रहा था मैं अपने, ये जो फैंस लोग हैं, अपने फ्रेंड्स लोग हैं, जो दोस्त लोग जो हमारे साथ में है, उनको तुम्हारे बारे में बता रहा था कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है और हम लोग ने काफी साथ में टाइम बिताया है, बहुत सारा टाइम बिताया है। स्पेशली वो तुझे याद है ना, वो हमने बैंकॉक में जो टाइम स्पेंड किया था वो। यस भाई क्या मजा आया था उधर तो। बैंकॉक में हम लोग गए थे पतंजलि का ऐड किया था, पतंजलि ऐड करने के लिए। मैं थोड़ा लाइट ऐड कर देता हूँ, ये लाइट गिरे। करना ऐड, हाँ करना, आराम से करना, कोई लाइट। काफी सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, काफी सारे लोग, तो मैंने सबको बोला। स्पेशली मुझे ये भी मैसेज आए थे कि वही ना, वो खट्टा मिठा में जो थे, वही ना वो जो कॉमेडी करते थे। Exactly. भाई तेरा वो कैरेक्टर तो मुझे भी बहुत पसंद है, जब भी खट्टा मिठा आता है मैं तेरे लिए बैठ के देखता हूँ। यार उसको अभी 10 साल होने को आए उस फिल्म को, इस सितंबर में उसको रिलीज होके 10 साल हो जाएंगे उस फिल्म को। ओहो तो भाई वैसा है भाई, पर वो स्पेशली मुझे तो ये जानना है कि वो फिल्म करने के टाइम पे क्या एक्सपीरियंसेस रहे तुम्हारे, और मुझे ये भी जानना है कि कहां से तूने शुरुआत किया था कंचन। हम लोग मतलब मिले तब से हमारी इतनी बातें नहीं हुई। हाँ कड़क, ये बहुत सही है भाई, सही है ना लाइट? हाँ ये लाइट सही है। वो तू स्टैंड पे रखा है क्या तूने भाई?
स्टैंड तो मेरा कुछ लोचा हो गया है, स्टैंड पे नहीं रखा। अच्छा, टेबल पे रखते ना कहीं पर? टेबल पे भाई? हाँ वही टेबल पे ही रखा है अभी। अभी लाइट सही ठीक है? सही है भाई, सही है, चलेगा। हाँ तो मैंने शुरुआत की थी 2001 में एक्चुअली। करेक्ट, 2001 से मैं यहाँ से, मुंबई से 300 किलोमीटर मेरा गांव है, वहां कौन से सा आया गांव? था मैं, सटाना करके है। ओ, कोई तो जानता भी है, किसी ने लिखा है ओमकार करके, कौन है तुम्हारा दोस्त है कोई? हाँ, मेरे फॉलोअर्स होंगे ओमकार। अरे क्या बात, क्या हाय बात है श्रुति, भाई। हाय श्रुति, मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी पता है, मैंने थोड़ा पोस्ट तो सबसे किया। पहले तो जितने भी लोग यहाँ पर है सबको वेलकम करता हूँ मैं, क्योंकि भाई ये अकेला मेरा दोस्त नहीं है, उसके साथ में जो भी उनके फॉलोअर्स है वो भी हमारे दोस्त है, तो भाई मैं सबका स्वागत करता हूँ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है कांचन, इसके साथ जब भी मिलता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम दोनों जब भी मिलते हैं इतना मस्ती करते हैं हम दोनों, मतलब यस कहीं चाय की टपरी पे कहीं खड़े हो गए, चाय में बिस्कुट डुबो के खा लिया, अरे बाप रे एग्जैक्टली क्या मजे थे। ऑडिशन देने का मजा ही कुछ और था जब तू वहां पर होता है तो। यस 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 यार। और हम लोग का ये है कि हम लोग ना हर हफ्ते में एक या दो बार मिल ही जाते थे, कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। बट अभी ये तीन स्पेशली महीने से आरामनगर में। अभी ये 3 महीने से थोड़ा लोचा हो गया है, प्रॉब्लम हो गया अपना, इसके लिए ठीक है लॉकडाउन भाई, की वजह चलता से। रहता है, चलता रहता हाँ है। तो मैं बता रहा था तुम्हें कि मैं सटाना गांव से आया था। अभी वहाँ का एक किसान है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता चला हाल ही में, नेशनल टेलीविजन पे भी उनके बारे में, कि उन्होंने अपने ट्रैक्टर को जोड़ के एक बढ़िया सा सैनिटाइजर बनाया है जो गांव में सैनिटाइज करने के लिए यूज होता है। उनका नाम राजेंद्र यादव है, सटाना। क्या बात तो है यार, सटाना से सच्ची में वर्ल्ड ऐसा हुआ वाइड, है? हाँ, हमारे गांव का एक किसान है, हाँ हाँ उनका हाँ नाम हाँ 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 राजेंद्र यादव है, जिनको अपने प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उन्होंने अपनी मन की बात में उनको अप्रिशिएट किया था, उनका नाम लिया था। अभी अरे पिछला वाह, उनका मन की बात हुआ था उसमें। क्या तो बात है। ऐसी जगह से है मैं, हम लोग जहाँ के सारे लोग, और तुम्हारे भी बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो सबको मेरी तरफ से एक प्यार भरा हाय हाय, और होप यू विल एंजॉय दिस सेशन ऑफ मी एंड हेतल। हम लोग पहली बार शायद हम लोग ऑडिशंस पे ही मिले थे ना। ऑडिशन पे ही मिले थे, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती हमारी बैंकॉक में हुई थी, जहां हम बैंकॉक लोग में, क्योंकि ने शूटिंग किया था। यस और क्या शूटिंग तो शूटिंग, हमने शूटिंग शूटिंग तो टाइम पास के लिए किया था, बाकी ये तूने तो बड़ा सही बोला भाई, हाँ, बाकी तो बीच में हमने नाइट आउट बहुत किया, वहाँ पे मजे बहुत। बहुत थे, और अरे बाप रे, बहुत सब दोस्त ही थे जो इतने सालों से एक साथ ऑडिशन में मिल रहे थे, बट काम पहली बार कर रहे थे हम लोग, तो इसके लिए करेक्ट हम लोग का वो वेवलेंथ तो पहले से मैच था, बस हमको करेक्ट, यहाँ से दूर लेके गए और हमने उसको उसको चांस उसको समझ के पकड़ ले लिया। लिया अरे भाई पकड़ लिया। भाई मुझे अभी भी याद है, वो गाड़ी में हमको उधर छोड़ने के लिए आई थी वो जापानीज लड़की, जो हमें वहां छोड़ने के लिए आई थी एयरपोर्ट पे, तब उसकी क्या हम लोग ने हालत कर दी थी भाई। मतलब हमें एक्चुअली ऐसा हुआ था, वो इंसिडेंट क्या था मुझे पूरा याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि हम लोग पीछे की साइड में बैठे थे और वो लड़की ड्राइवर सीट पर आगे बैठी हुई थी, और उसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा था और मराठी भी समझ में नहीं आ रहा था, और हम सारे मराठी में बात कर रहे थे। हम सारे जोक्स क्रैक कर रहे थे उसके ऊपर हिंदी में, और उसको बाद में अंग्रेजी में पूछ रहे थे डू यू एग्री, तो वो यस यस बोलती थी, तो इसकी वजह से हम बहुत हंसते थे। तो इसके लिए उसको बेचारी किया, बट यार दीज आर द मोमेंट्स वेयर बहुत स्वीट थी वो, बहुत स्वीट लोग मजा करते हैं। करेक्ट मैं करेक्ट, 2001 में मुंबई आया था हेटल, और उसके बाद आने के बाद में हाय पूजा, आने के बाद में मैंने पहले तो सेल्समैन का काम किया था, डोर टू डोर सेल्समैन का, तो क्या सोच के आए थे भाई यहाँ बंबई में, मतलब ऐसे ही आ गए थे या फिर कुछ नहीं एक्टिंग ऐसे वक्टिंग का कुछ ऐसे नहीं आया था? आया, ऐसा नहीं आया यार। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग जो आमतौर पर बोलते हैं कि मैं कुछ और करने आया था, फिर मुझे किसी ने देख लिया और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मैं डेलिबरेटली सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग में करियर परसू करने के लिए ही मुंबई आया था।
और उसके लिए ही जो कुछ हुआ, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ और करना था, बट हुआ ये कि बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें की मैंने। एक तो मैं डोर टू डोर सेल्समैन का जॉब करता था, पहले तो 2-4 दिन बहुत तकलीफ हुई, लोग जिस तरह से सेल्समैन के साथ में बिहेव करते हैं वो सारा देख ओ के बाद में पता चला, वो जो है ना यार, नहीं लेना है और दरवाजा बंद करके घर चलना के ऊपर चलना, दोपहर को सोने के टाइम पे क्या करते रहे क्या वो डिस्टर्ब सारा नहीं था, आया तुम्हें तेरा सारा यार, वो सब तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ यार, राइट? वो सब एक्सपीरियंस किया। बट 2-4 दिन के बाद में मुझे पता चला कि सी यार, हमको ना इस चीज को अगर हम इंसल्ट समझेंगे ऐसी बातों को, तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सी अपना खुद का सबका एक लाइफ होता है, उसमें हम वो आराम कर रहे हैं भरी दोपहर 2-2.5 बजे खा पी के मस्त घर में एसी लगा के, और ऐसे रात में हम जाके टिंग टॉन्ग, देखिए सर मैं इस कंपनी से आया, अरे दिस इज यू नो, हमारे साथ भी ऐसा हो तो हम भी झल्ला उठेंगे, हमें भी गुस्सा करेक्ट आएगा है, कि यार कहा यार, मेरी राइट नींद है, लग रही थी इसने जगा दिया, यू नो ऐसा राइट होता है, है, बट सी दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो होता रहता है। बाद में फिर मैंने धारावी में 3 महीना काम किया, मैंने ओह कम से कम अच्छा। आउट एंड आउट और तब मैं ये जानता था, धारावी को आउट यही एंड आउट सेल्समैन जानता का, था सब सब, ओ मैं सेल्समैन था उधर, वरदान बीड़ी करके एक प्रोडक्ट था उसको मैंने लॉन्च किया था। बाद में ओके मैंने देख, मेरे को ना भटकाने की बहुत कोशिश हुई, जो भी क्या बोलते हैं उसको, जिंदगी कभी कभी हमें बहुत भटकाती है ना, वैसे जिंदगी ने मेरे साथ थप्पड़। भी छेड़छाड़ की। मेरी अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी भी थी बाद में, जिसमें 100-150 लड़के लड़कियां काम करते थे, बट वो होता है ना यार, एक्टर क्या है ना, हमेशा वो असंतुष्ट बंदा रहता है एक्टर, उसको कितना भी कुछ करेक्ट भी मिले वो संतुष्ट नहीं हो पाता, इज नॉट हैप्पी एट ऑल। करेक्ट तो वही हुआ, एक दिन रात को मुझे याद आया कि अरे यार ये सब तो मैं अपने घर पे रह के आराम से कर सकता था, है ना, गांव में रह के करेक्ट भी वहां से सब मैनेज यहां कर पर क्यों, लेता। हाँ तो यहां पर क्यों करूं ये सब? हाँ, यहाँ पे इतनी मेहनत और इतना सब अकेला रहता था, इतना सब कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं थी अगर यही करना था। फिर उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आई, दूसरे दिन सुबह पार्टनर था मेरा, क्योंकि मेरे यहाँ पे पेपर्स नहीं थे, कुछ सारे गांव के थे, तो उसके नाम पे सारा बिजनेस था, बट ही इज अ गुड फ्रेंड, येट ही इज अ गुड फ्रेंड। तो उसको मैंने बोला कि भाई ये तो नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मैं कुछ और करने आया था, कुछ और ही कर रहा हूँ मैं। बीच में एक बार वो कुंभ मेला हुआ था 2005 या 6 में या 4 में, कहीं नासिक में हुआ था कुंभ मेला, तो उस कुंभ के ओके मेले में भी मैंने वो वरदान बीड़ी का प्रोडक्ट था, बीड़ी मतलब बीड़ी में आमतौर पे क्या होता है कि टोबैको होता है, बट वो वरदान बीड़ी जो प्रोडक्ट था ना वो बहुत अच्छा था, उसको क्या बोल सकते हैं आयुर्वेदिक, तो हर्बल हर्बल बीड़ी था वो, अच्छा, जो उसके बीड़ी अंदर छोड़ने के लिए जो पीते हैं वो वाला बीड़ी? हाँ अच्छा, ओके 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 वो ओके था। तो कुंभ मेला में भी मैंने उसका लॉन्चिंग किया था, धारावी में भी लॉन्चिंग किया था, बिकॉज वो मजदूर लोग जो होते हैं, छोटे तबके से जो लोग आते हैं, वो बहुत सारे लोग वो क्योंकि बीड़ी के शौक में खर्चा बहुत कम होता है, तो यू नो शौक भी पूरा होता है और खर्चा भी ज्यादा नहीं होता, इसलिए वो पीते हैं, और ऐसे लोग कहाँ रहते हैं मुंबई में बहुत ज्यादा, तो वो धारावी में रहते हैं। ये तो अभी सबको धारावी में, पता चल करेक्ट, ही गया होगा हाँ पिछले एक धारावी डेढ़ में ही महीने रहते, में करेक्ट कि क्या हो रहा है करेक्ट वहां से, कितने लोग गए बेचारे, खैर ठीक है, वो किया मैंने सारा चीज, इन बिटवीन थिएटर भी करता रहा, मराठी थिएटर, मराठी थिएटर में 6-7 ड्रामास किए मैंने, 1,000 शोज किए, और कितने सेल्समैन, कितने 1,000 शोज, हाँ 1,000 शोज किए ऑल टुगेदर, सब ड्रामास क्या मिला के, बात है, क्या हाँ सब बात ड्रामास है भाई, मिला के इतने किए हैं मैंने अलग अलग ड्रामास अच्छा करके, और पूरे महाराष्ट्र में किए हैं, पूरा महाराष्ट्र मुझे देखने मिला, महाराष्ट्र और गोवा बहुत जगह मैंने शोज किए, और ऐसा फिर बाद में हुआ ये कि मार्केटिंग एजेंसी के बाद में उससे जो भी पैसा कमाया था बंद करने के बाद में, उसी से फोटोशूट करवाया, और उसी से फिर स्ट्रगल चालू किया, तो फिर एड में काम मिलना चालू हो गया। ओ करेक्ट। और थिएटर तुम एक्टर मुंबई तो के हो तुम ना? फाड़ो। नहीं भाई, मैं सूरत से हूँ और गुजरात से हूँ, और मैं भी आया था यहाँ पर थिएटर को लेके ही आया था। मैं पहले थिएटर करता था, 10-12 साल थिएटर किया मैंने वहां पर, गुजराती या हिंदी? गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर भी किए अच्छा वहां पर।
लेकिन क्या हुआ भाई कि वहां पर है ना यार अपना कुछ और काम कुछ सूझा नहीं, सोचे अभी क्या और क्या करे आगे, मतलब थिएटर तो कर लिया है, वहां पर भी नाम हो गया था, वहां पर लोग हमारे नाम से लिखते थे कि भाई ये रोल हेकल करेगा तो मजा आएगा ऐसा, पर भाई अभी आगे क्या, आगे कुछ भी नहीं था। तो पता चला कि बम्बई में ना ऐसे थिएटर है गुजराती थिएटर जो यहाँ पर 30-30, 35-35 शोज करते हैं महीने के, तो एटलीस्ट मैंने सोचा यहाँ पर आके करूंगा तो मुझे एटलीस्ट कुछ कमाने को मिल जाएगा, मैं कुछ अपना सर्वाइव भी कर लूंगा। और ऐसे पहले से ही सर्वाइविंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से अच्छा खासा पापा और पापा छोड़ के गए थे तो कोई इश्यू नहीं था वैसा। तो भाई यहाँ पर बम्बई में आया तो पता नहीं था कि यहाँ पर कहाँ से शुरू करो, क्योंकि थिएटर में भी कोई जानता नहीं था। तो एक उमेश शुक्ला जो अपने उमाई गॉड के डायरेक्टर है उनसे पहली बार मुलाकात हुई, सूरत से ही एक जन का रेफरेंस लेके उनसे मुलाकात की। तो उनसे मुलाकात करने के बाद पता चला कि वो एक थिएटर कर रहे हैं तो उनको एक कैरेक्टर की जरूरत थी, तो मेन लीड कैरेक्टर उनके साथ में करना शुरू कर दिया उनके साथ। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ चलो करते हैं, अच्छा सा कैरेक्टर तुम्हें देता हूँ। तो वो वहाँ मेन लीड कैरेक्टर से शुरुआत किया, तो पर वो ड्रामा इनडायरेक्टली हुआ नहीं, बट साथ साथ में मैंने ना ऑडिशन देना शुरू किया। जैसे कि मुझे पता चला कि श्रीजी माड़ा और आरामनगर में ऑडिशन होते रहते, तो रोज सुबह 10 बजे लेकर, ये 2011 की बात, 2011 की बात, तुमने बहुत, मैं बहुत लेट आया भाई, मैं तो बहुत लेट शुरू किया भाई। हाँ, तो 2011 में 2004-05 से मैंने शुरू किया था जब फेमस में ऑडिशन होते थे। करेक्ट करेक्ट। और नसीब देखो ना, जब वो हुआ हमने शुरू किया उसके पहले ऑडिशंस के लिए भी कन्विंस मिलता था। अच्छा। हाँ, ऑडिशंस के लिए भी कन्विंस मिलता था, बट क्या हुआ कि वो सारे जो लोग होते थे वो बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैंडसम लड़के लड़कियां ऐसे ही एड्स में आते थे, क्योंकि मफतलाल और रेमंड्स और इसमें आज जो, और तब तो बड़े बड़े ब्रांड का ही होता था ना तब तो, और ये छोटी छोटी ब्रांड तो अभी आनी शुरू हुई है। हाँ, तो ये ऐप का एड करेक्ट है, हमारे जो नेशनल क्रिएटिव्स है प्रहलाद कक्कर जी और पीयूष पांडे जी, इन्होंने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किया एड्स में, और उसके बाद फिर हमारे जैसे लोगों को काम मिलना शुरू हुआ। उसके बाद बंद हो गया वो कन्विंस। यस, तो आई नो प्रहलाद कक्कड़ जिनके नाम से ये चलता है, क्योंकि प्रहलाद कक्कड़ ने ही शुरू किया था ये ट्रेंड। यू आर राइट, एग्जैक्टली, यस यस यस। और पीयूष पांडे जी भी, उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किए अच्छे अच्छे कैरेक्टर, और उसके बाद में फिर एड्स ह्यूमरस लगने लगे लोगों को, लोग एड्स भी देखने लग गए, है ना। करेक्ट करेक्ट। लोग ऐसे Correct. भी लोग हैं जो, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो म्यूट कर देते हैं बीच में अपने फेवरेट शो के या फिल्म के बीच में एड्स को, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं दे एंजॉय द एड फिल्म आल्सो जो भी बीच Correct. में। तो ये सब इन लोगों की देन है जिनकी वजह से आज मुझे एक एड ऐसी याद है जो जिसके लिए मैं भी शॉर्टलिस्ट था और तू भी शॉर्टलिस्ट था, वो वाले आलिया भट्ट के साथ तूने कौन सी की थी? हाँ, पर्क 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 चॉकलेट पर्क पर्क के लिए, मतलब मैं लास्ट 3 शॉर्टलिस्ट में था, मुझे इतना पता है। करेक्ट, बट मुझे 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 बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि तू कर रहा है, बिकॉज़ यू नो वो कैरेक्टर के लिए तो एकदम एप्ट है भाई, एप्ट है वो कैरेक्टर, वो बहुत जबरदस्त था। वो एड वाले बहुत जबरदस्त पर्टिकुलरली काम करते हैं, बहुत ही प्रिसाइज उनका पिन पॉइंट वर्क जो कहते हैं ऐसा होता है उनका। वो सुरेश रमेश वाली एड में भी तू ही है, वो मैंने देखा था, पता नहीं, तो सुरेश रमेश वाली 5 स्टार की एड में जो शुरुआत की है वो मैंने की है, स्टार्टिंग वाली बात कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में सबसे पहली एड मैंने की है, और सुरेश रमेश वाली का, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी पहली एड मैंने की है, टाइगर बाम वाइट की जो पहली एड उन्होंने शूट की थी अपने ब्रांड के लिए, टाइगर बाम वाइट की, और डायरेक्टर जो थे उसके अनुराग कश्यप थे, और उनकी भी वो पहली एड थी ऐसा उन्होंने। अच्छा, भाई तेरा दोस्तों भाई, नहीं ये मेरा इंटरव्यू नहीं पूछ रहा है, ये तो मुझे जानता है। अंकित भाई, यहाँ ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं, वापिस आप लोग को बता दो जो नए आए हैं उनके लिए कि ये हमारे दोस्त हैं कंचन पगारे, उनका नाम है, काफी फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी फिल्में की उन्होंने। स्पेशली मैं आपको बताऊं तो खट्टा मीठा फिल्म जो अक्षय कुमार की आई थी, जिससे वो बहुत हिट हुई थी वो फिल्म,
और उसमें उनका कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त था, खट्टा मीठा, जिसमें अक्षय कुमार को रोड कॉन्ट्रैक्टर बनाया था, बना हुआ था उसमें। पर भाई हाल ही मुझे में एक बात अभी बता। हाल ही हाँ में एक हाँ अच्छी फिल्म आई थी मेरी, उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था और उसमें कैच लाइन भी बहुत अच्छी थी, क्या नाम? पागलपंती, पागलपंती, यस यस मल्टी स्टारर पागलपंती, फिल्म है पागलपंती, यस उसमें भी यस बहुत यस बड़ा पागल, कैरेक्टर यस भाई। था, और छोटा मुझे मुंह बड़ी मुझे बात मुझे मुझे ये उनकी कैच बताओ, लाइन थी। छोटा वो बड़ी बात। हाँ करेक्ट, राइट राइट राइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये खट्टा मीठा में जो तुम्हारा कैरेक्टर था भाई, वो इतना हिलेरियस कैसे, मतलब वो स्क्रिप्ट ही हिलेरियस थी या फिर तुम लोग ने वहां पर बनाया? मतलब ऐसा था कि एलओसी वाला फेविक्विक एडवर्टाइजमेंट, ये कौन सा ऐड है? अरे वो एलओसी फेविक्विक वाला का ऐड फेविक, जो किया था 2015 में आया था, ओ भारत पाकिस्तान सोल्जर्स। ओके ओके, सॉरी मैंने हाँ देखा नहीं है वो, इसलिए मुझे पता हाँ नहीं है। नहीं तो नहीं वो भाई बहुत मुझे बढ़िया है। वो मुझे आपका वो एक्सपीरियंस जानना है भाई, कि क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वो कलर वाला, वो कलर वाला जो सीन था पूरा भाई, मानना पड़ेगा मणि सर को। नहीं क्या हुआ था कि देखो यार, तब प्रियन जी जो प्रियदर्शन जो डायरेक्टर है साउथ के, प्रियांश सर, तब वो पीक पर थे, है ना, प्रियदर्शन सर ना, उनकी धन धनाधन नाम की एक फिल्म आई थी, और उसके बाद कौन में सी फिल्म? उन्होंने एक फिल्म धन धनाधन, धन धनाधन, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी यस और हांगकांग में सिंगापुर में शायद शूट किया था, हाँ इट्स ओके। तो उसके बाद में उन्होंने एक फिल्म की थी आक्रोश नाम की, जो अजय ओके देवगन जी ने प्रोड्यूस की थी, आक्रोश। ओके ओके, आक्रोश, हाँ यस तो उसके कहीं पे ऑडिशंस हो रहे थे, है ना, तो हम्म, मैं गया था। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, उसमें 90 कैरेक्टर्स थे, और बहुत ओहो सारे एक्टर्स उन्होंने वहाँ से लिए थे, एनएसडी के एक्टर्स बहुत सारे थे, बहुत सारे, ओ उसमें अजय अच्छा, देवगन, अक्षय खन्ना, परेश रावल, बिपाशा बासु, ऐसे स्टार थे उसमें, और बहुत सारे अच्छे मंजे हुए ट्रेंड एक्टर्स लिए थे उन्होंने एनएसडी एनएसडी से। के। हाँ तो उसमें एक कैरेक्टर मुझे एनएसडी से, मतलब 1965 की बैच से लेके कैरेक्टर्स लेके आए थे वो एनएसडी में, ओहो और दो ओहो लेके आए थे एक्टर्स, तो क्योंकि स्क्रिप्ट भी वैसा था और बैकड्रॉप पूरा बिहार का था उसका, और उसके ऑडिशन के लिए गया था और मैं सिलेक्ट हो गया उसमें, और मुझे जाना पड़ा। हमने शूट, बिहार का बैकड्रॉप भी था, तो हमने शूट उस आक्रोश फिल्म को हमने शूट किया था साउथ में, मदुरई से 150 किलोमीटर आगे कारेकुड़ी नाम का एक प्लेस है, उसके बाजू में चेतीनाड नाम का एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो बहुत फेमस है पूरे इंडिया में, चेतीनाड पैलेस, और वहाँ के जो चेतीनाड और उसके इर्द गिर्द जो भी घर है वो बहुत बड़े बड़े घर हैं, मतलब इस गली में घर का, घर की शुरुआत होती है तो गली के एंड में घर का एंड है, पिछवाड़ा है, पिछला दरवाजा उसका उस जगह, मतलब बीच में कम इतना से कम बड़ा, 15 से 25 रूम है बीच में, है ना, ओहो और अपने अपने पूरे हाथ की जितनी उसकी मेन दरवाजे की चाबी है, और अंदर जो भी, जब सारे पुराने घर हैं, बहुत सारे 150 150 साल पुराने घर हैं, और अंदर के जो ओके, रूम हैं उनकी चाबी भी कम से कम 1 फीट की है चाबी, अच्छा और अच्छा हाँ, और सबसे मेन दरवाजों की चाबी जो होती है वो 2 से 2.5 फीट की, और पूरी मेटल की, आयरन की। अच्छा ओके, तो वहाँ पे मैंने शूट किया था, हमने 3 महीने शूट किया था उस फिल्म को, आक्रोश को, और आक्रोश, उसी दौरान वो उसको हुआ ये था कि मैं 1 महीने का शेड्यूल करके आया, बीच में 3 महीने का गैप था क्योंकि अजय जी की जो अतिथि तुम घर कब जाओगे, ये फिल्म का और प्रमोशन परेश रावल, और ये था, हाँ उनको मतलब रिलीज और ये सब था उनका, तो 3 महीने का शेड्यूल था उसका, तो बीच में 1 महीना शूट करके 3 महीने का गैप गया हमारा, 2 2.5 महीने का गैप गया, तो उसके बीच में इन्होंने एक फिल्म करनी शुरू कर दी जिसका नाम था खट्टा मीठा, तो करेक्ट,
उनके सामने देखिए प्रियंश जी का ये होता है कि आप सेट पे रहो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उनकी सारी तरफ नजर होती है, तो उनको पता है कि कौन क्या है कौन क्या है। तो उन्होंने ये मुझे पता है क्योंकि मैंने उनके साथ एक एड शूट किया था परेश रावल और उनके साथ में, तब मुझे उनको जानने का मौका मिला था और मैं उनके बगल में ही बैठा रहा, मैं इतना सीखा हूं ना मैं उनके पास से। वो फिर एक महीना हुआ उनको मेरा नाम पता नहीं था, एक महीना शूट किया हमने वहाँ पे, उनका मेरा नाम ही पता नहीं था। फिर 30 दिन शूट करके आया तो मुझे 10-12 दिन में वापस उनके यहाँ से फोन आया कि और प्रियंश जी की फिल्म के लिए आपके और 45 दिन चाहिए। तो मैंने मना कर दिया, मैं बोला कि हाँ देखिए भाई मैं ऑलरेडी 30 दिन दे चुका हूँ, मुझे ऑल टुगेदर 45 दिन बोले थे, मैं अभी 30 और 45 दिन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 30 दिन किए हैं, मैं अभी 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। तो वो हंसने लग गए जिन्होंने फ़ोन किया था, अरे नहीं नहीं सर वो आक्रोश की बात नहीं, हम खट्टा मीठा की बात कर रहे थे। मना कर दिया था उनको पहले, मुझे लगा कि आक्रोश के लिए वापस 45 दिन मांग रहे हैं। बारामती के बाजू में है, हम बारामती थे, फल्टन में शूट करते थे, फल्टन पुणे और मुंबई ऐसे 3 जगह हमने शूट किए। बट उसके बाद फिर कुछ कुछ ये होता है, कुछ डायरेक्टर का स्टाइल होता है कि शुरुआत के दिनों में वो लॉन्ग शॉट्स करते हैं सारे, है ना? करेक्ट। तो प्रियंश जी का स्टाइल वही है कि शुरुआत फिल्म की जब करते हैं तो लॉन्ग शॉट्स करते हैं वो बहुत सारे, धीरे 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 स्टोरी की तरह आते हैं। तो उसको 10-12 दिन लग गए, और जो मेरा पहला शॉट लगा था जहाँ पे मैं वो लकड़ी जला के बैठा हूँ, जो डांबर होता है उसको पिघला रहा हूँ, मेरे साथ में पहला डायलॉग था, तो वो डायलॉग बोलने के बाद में उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और जब उसका क्लोज लगा तब उन्होंने 40 दिन के बाद, मतलब 30 दिन ये शूटिंग के अपने आक्रोश के, 10-12 दिन ये, मतलब 40-42 दिन बाद उन्होंने माइक से मेरा नाम लिया, कंजन प्लीज सीट टू यूर लिटिल राइट ऐसा बोला था। गड़बड़ हो गया है उनके साथ में, मैंने तीन चार फिल्में की बाद में, बट वो जब भी मिलने जाता हूँ वो सीन के बारे में, पर्टिकुलर वो सीन के बारे में बताओ ना कुछ एक्सपीरियंस तुम्हारा, जो वो कलर वाला सीन था, वो जो असरानी जी के घर पे जाते हैं हम, हाँ वो असरानी जी के घर पे, क्या है ना कि बहुत सारे एक्टर्स जो थे उसमें हमारे इर्द गिर्द जो भी थे वो सारे थिएटर के थे, राजपाल जी थिएटर के थे, मनोज जोशी थिएटर के है, काफी बहुत सारे लोग थिएटर से थे, मतलब वो मोटा क्या नाम उसका, हाँ मजदूरों का जो ग्रुप था उसमें भी थिएटर के लोग थे 3-4, संजय बेलोचे, अजय शाह, मैं, हम लोग, राजपाल जी, सारे थिएटर से थे। तो थिएटर वालों का ये होता है ना, उनको पता है कि सामने वाला जो देगा उसको कैरी करके कैसा इम्प्रोवाइज करना है, तो वो लिखा भी बहुत अच्छा था, बट लिखावट में अलग होती है चीज और परफॉर्मेंस में अलग होती है, परफॉर्मिंग में अलग आ जाते हैं। करेक्ट। हम लोग कुछ नया आइडिया लेके जाते हैं जी, हम लोग ऐसा नहीं होता कि हम लोग शुरू तो करते हैं, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता तब तो हम डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन से चलते हैं कि भाई ओके ओके ओके, उसके बाद में फिर एक बार वो हाथ में आ जाए, मतलब टेक के टाइम पे तो हम जो डायरेक्टर बोलता है कहीं भी, मतलब एड में हो या फिल्म में हो या सीरियल में हो कहीं भी हो, हम वो सेम टू सेम नहीं करते बिकॉज हम थिएटर से। तो उस तरह से वो हुआ था, और सबसे अच्छा सीन उसमें वो भी था, वो चैन वाला सीन, वो मुझे बोलते कि मेरे पास एक चैन है तो वो कितने दिन का खाना आ सकता है। वो बहुत मत, ये बेच के जितने दिन का खाना आ सकता है वो लेके आ जाए। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हुए इसमें तो, इसमें तो 2-3 दिन का तो हो जाएगा। नहीं नहीं, उसको बोला था कि सोने का चैन है तो 1 महीना आराम से निकल जाएगा, 2 महीना आराम से निकल जाएगा,
जब वो निकालते हैं तो वो तो बोलते हैं मेरी बचपन की चेयर है, जब मैं 2 साल का था तब माँ ने बनाई उसने तो अच्छा, मेरे गांव के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सबको हाय, सबको प्यार भरा नमस्कार। हेतल पुनीवाला है ये, आपने बहुत सारे एड्स में, फिल्म्स में, सीरियल्स में इसको देखा होगा, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा, मतलब हम लोग ने काम भी साथ में किया था, हम लोग में बैंकॉक ही याद आता है, बीच में जितेंद्र वशिष्ठ ने वो वीडियो डाला था कौन सा फेसबुक पे जीतू ने, जो हम लोग जा रहे थे हाँ तो ये क्या, हाँ हाँ ये भाऊ शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी की शादी, शिल्पा शेट्टी की शादी हो गई, ऐसा नहीं था शिल्पा शेट्टी का लगन हो गया इस पे टिक में, ऐसा है वो शिल्पा शेट्टी का लगन हो गया, वो बहुत फेमस डायलॉग हो गया था उसमें, बहुत फेमस था वो डायलॉग, उसमें टिकटॉक भी बहुत सारे बने हैं तो ये सब था अभी अभी फिलहाल भाई वो डायलॉग भी बहुत, वो डायलॉग भी बहुत फेमस था, अरे भाई वो पैसे दो ना, क्यों क्या चाहिए, अरे इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना, हाँ क्यों आगे बोलते हैं 4-5 करोड़ पड़ेगा, कैरेक्टर ही ऐसा बना था मेरा कि जहां पर भी खाने का कुछ संबंध आएगा, जहां पे भी खाने से रिलेटेड, वहां पे मैं हूँ ही, क्योंकि मैं सब क्वेश्चन और ये सब देखता था, और एक्ट्रेस बहुत अच्छे थे यार, तो मतलब राजपाल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए उसमें, उस फिल्म के दौरान हम लोग बहुत बातें करते थे, और वहाँ पे भी इतने सब मंझे हुए लोग थे, सारे लोग, और सब एक्टर ऐसे थे ना सर भाई, वहां पर मैं बताऊ ना, जिन जिनको मैं जानता हूँ ना, वो इतने डाउन टू अर्थ, आप जैसे ही हमारे जैसे दोस्त लोग सब, कि मतलब ऐसा कोई नहीं कि भाई मैं तो प्रियदर्शन की मूवी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई, एकदम अपने लेवल वाले लोग सब, सब 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 थिएटर वाले थे, तो उस हिसाब से फिर वो मजा भी ऐसा होता था, शूटिंग में मजा तभी आता ना कि जब भी एक्टर्स भी सारे ऐसे होंगे, वो उसको हटाने वाला जो भी जो सीन था ना, वो जो उसको वो जॉनी लीवर साहब को लेके आते हैं और बोल रहे हैं कि मेरे पैसे निकालो मैं जा रहा हूँ, कैसे पैसे, वहां पे एक और सीन है जब ये तीनों झगड़ रहे हैं, राजपाल जी, जॉनी भाई और अक्षय जी तीनों झगड़ रहे हैं, उस सीन में मैं था नहीं बट मास्टर में मैं था, तो देखिए प्रियन सर का ध्यान कितना, वो कितनी बारीकी से देखते हैं सारे एक्टर्स को, तो आई वॉज लुकिंग लाइक कि ये लोग क्या कर रहे हैं यार, इतना मेरा लुक ही ऐसा था कि क्या फालतूगिरी कर रहे हैं ये लोग, क्यों झगड़ रहे हैं बिना बात, ऐसा मेरा लुक था, तो उस पूरे सीन में उन्होंने मुझे सबको पहले निकाल दिया, पर उन्होंने मास्टर एक बार देखा तो उन्होंने फिर से मुझे बुलाया और मुझे बोले कि डू वॉट एवर यू वॉज डूइंग प्रीवियसली इन द मास्टर, आई वॉन्ट इट इन क्लोज ऑल्सो, तो जब मिड शॉट जब हुआ तो उन्होंने बैकग्राउंड में मुझे रखा एंड आई एम जस्ट लुकिंग, उसके ऊपर भी बहुत सारे मीम्स बने हैं इन सारी चीजों के ऊपर, वो सीन भी बहुत मस्त है भाई, वो भाई उसको उसको चालू करने का, अब भी टिक कर देता हूँ, अब भी टिक कर देता हूँ, अरे बाप रे कब ठीक करेगा साला, ए उसको कोल अंदर डीजल डाल, अरे अभी तो पेट भर के डीजल डाला था इसके अंदर, अरे क्या सीन, क्या काम करने का एक्सपीरियंस बहुत है, तुमने कभी किया है उनके साथ काम, नहीं भाई मेरा मुझे कभी मौका नहीं मिला, बट मेरे को करना है उनके साथ, उनके साथ में जिस दिन भी मौका लगेगा ना, मैं बोलता हूँ हेतल तुम्हारा समय कैसे बीत गया ना तुमको पता नहीं चलेगा, क्या बात, इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, और उसके बाद में हमने कोई काम साथ में नहीं किया, अभी हाल ही का मैं तुमको एक्सपीरियंस बताता हूँ, लास्ट ईयर 1.5 साल हो गया, सीधा उसके बाद में मैं एक सीरियल में कैरेक्टर करने लग गया, कैमियो था, वो सोनी सब पे आता था जिसमें वो इंस्पेक्टर बने हैं, 1.5 साल, अरे अभी ये अभी जो तू लास्ट सीरियल कर रहा था उसकी बात कर रहा है ना, नहीं नहीं उसके पहले की सीरियल, उसके पहले की सेम प्रोडक्शन की सीरियल थी, उसमें कीकू भी थे, जॉनी भाई थे, असरानी थे, सब इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर वाला कोई तो था राइट, हाँ जॉनी भाई भी थे उसमें, राइट 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 राइट, वो नाम याद नहीं है मुझे, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें मैंने 6-7 कैमियोज किए अलग 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 गेटअप लेके,
फर्स्ट टाइम जब गया था तो जॉनी भाई और वो सब लोग सेट पे बैठे थे बाहर आउटडोर में, और मुझे काफी वो बनाया गया था कि मैंने विग लगाया था, फिर मुझे ये पहना, यहाँ पे रुमाल बांधा था, बहुत सारा चेहरा ढका हुआ था, गॉगल था मेरा, दाढ़ी ऐसे लगाई थी तो चेहरा दिख ही नहीं रहा था, और गॉगल था मेरा। तो पहला गया मैं वहाँ पे, सबको हाय बाय किया तो सबने हाँ नॉर्मली हाय हाय, जॉनी भाई नॉर्मल जो करते, हाँ तो जॉनी भाई ने बोला हाय हाय हाउ आर यू, इतना हुआ। और दो तीन मिनट के बाद में मुझे वो पसीना आने लग गया यहाँ पे, तो मैंने गॉगल निकाल के अपने बॉय के हाथ में दे दिया, और तभी एकदम जॉनी भाई एकदम चौंक गए, अबे अबे तू इतना सब होने के बावजूद सिर्फ आंखों से उन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे भाई क्या भाई, कितने साल के बाद मिल रहे हो यार, खट्टा मीठा के बाद तुरंत आज मिल रहे ये वो, और फिर वो जो क्या बात, वो जो अप्रिशिएट करते थे भाई तुम्हारे एक एक ऐड होते, मतलब जॉनी भाई का भी इतना ध्यान होता है सब जगह, भाई तुम्हारे एक एक ऐड देखता हूँ मैं, बहुत मजा आता है ये वो, और he's a gem of person. Gem of, gem of. लोगों को याद रखते हैं लोग भाई, मान गया मैं आप सबको, मतलब शत शत वंदन है वो जो लोग यहाँ पर अपना टाइम निकाल के आए हैं इस ब्रॉड पे, अपना टाइम निकाल के दूसरे कोई काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं अपना प्यार दिखाने के लिए, ये भाई ये बहुत नसीब वाले को मिलता है भाई, बहुत नसीब वाले को, थैंक यू भाई। मेरा तो हमेशा यही रहता है यार, आई एम द परफॉर्मर ऑफ माय यू नो व्यूअर्स, मैं सब उनको अच्छा लगे, उनको मजा आए ऐसा काम करने की कोशिश करता हूँ, और बहुत सारे बहुत, और मैं बहुत लकी हूँ इस बारे में कि मेरे जो भी दोस्त है, बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं और वेल विशेस है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बने हुए सोशल मीडिया पे हो कहीं पे भी हो। तुम्हारा नेचर ही ऐसा है यार, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है, कोई भी अच्छा इंसान तुमसे जुड़े बगैर रह ही नहीं पाए यार, सही बात, ये सब हो रहा है सर। और अभी अभी मुझे बता, और तू सोच ना, तू सोच ना वहां पर हम लोगों ने कितने लोग हम लोग मिले थे, कितने एक्टर मिले थे, क्यों तेरे साथ ही इतना मेरा जेलिक बनता है, क्यों तेरे साथ ही हमेशा मिलता हूँ, यू नो इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस आल्सो कि आपके अगल बगल में ऐसे अच्छे लोग मिल ही जाते हैं आपको भाई, क्योंकि आपको एनर्जी को अट्रैक्ट कर। हमारा मोटो होना चाहिए जो भी हमें एक बार जिंदगी में मिले वो जिंदगी भर हमको भूलना नहीं चाहिए उस बंदे ने, हमेशा होना चाहिए। That is why I really love you for. देखो हम really हम किसी को कुछ दे नहीं सकते यार, लेकिन हो सके हमारी बातों से, हमसे मिलके जो भी बात करे उसको जिंदगी में कुछ नई राह मिल जाए, मोटिवेट हो जाए कुछ करने के लिए, ऐसा मैं सोचता। कोई पूछ रहा था कि आप कहाँ रहते हो, वो मेरे बारे में पूछ रहा था, मैं गोरेगांव में रहता हूँ मुंबई में, तुम कहाँ रहते हो? मैं परेल में रहता हूँ, साउथ मुंबई में। परेल परेल, आई लव पागलपंती सीन ऑफ ड्राइविंग एंड कॉमेडी सीरियल पार्टनर। अच्छा पार्टनर तो तूने अभी किया था ना, वो पार्टनर इसके साथ अपना, डेढ़ साल पहले पार्टनर्स के बाद मेरा वो अच्छा सीरियल आया था। हाय स्मिता, अभी 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 लास्ट में तूने कौन सा सीरियल किया था इसके साथ अपना? माय नेम इज लखन। माय नेम इज लखन, यस, श्रेयस तलपदे, मैं श्रेयस के साथ, बहुत मस्त था भाई वो भी, पता नहीं क्यों इन लोग ने जल्दी से वाइंड अप कर दिया, पर है था बहुत जबरदस्त। हाँ हाँ, बट नहीं वो 26 एपिसोड का ही था, और अच्छा, अच्छा। बीच में हुआ ये कि बीच में मुझे बोला था कि 60 दिन शूटिंग करना है, बट बीच में बड़ा प्रोजेक्ट आ गया पागलपंती वाला, तो मुझे तो वो करना ही था। और 10 साल से मैंने मतलब पहली बार जब मीटिंग हुई अनिश सर से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि छोटा कैरेक्टर करेंगे, जब उनको मिल के आया तो मैं बोला सर छोटा बड़ा हो मुझे आपके साथ काम करना है, बिकॉज ही इज ऑल्सो वेल नोन राइटर एंड डायरेक्टर, वो जो लिखते तो ऐसे हैं। कहां मिले, कहां मिले थे उनसे, और कहां कहां उनसे ऐसे बातें हुई तुम्हारी, कहां मतलब उनके ऑफिस से? उनके ऑफिस से मुझे फोन आया था, उनके एडीज की तरफ से, उनके एडीज की तरफ से मुझे फोन आया था और बोला कि मिलना है, तो मैं मिलने चला गया। बट ये दिन रात मेरा चल रहा था शूट माय नेम इज लखन का, क्योंकि शुरुआती दौर था, तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा
वो होता है ना, टेंशन होता है सीरियल के शूटिंग में, शूटिंग में तो दिन रात करके मैं एक बार हमने 4 बजे तक शूट किया बांद्रा फोर्ट पे, उसके बाद में दूसरे दिन दोपहर 2 बजे का शिफ्ट लगाया फिर उन्होंने, क्योंकि सुबह तक हम लोग शूट कर रहे थे। तो उसके बीच में मैं 12:30-12 बजे जाके सर को मिला और उन्होंने कहा कि छोटा कैरेक्टर है, अगर आप आ जाएंगे तो मज़ा आएगा। मैंने हाँ तो बोल दिया। फिर 10-12 दिन के बाद में वापस उनकी तरफ से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि अभी कैरेक्टर डुअल हो गया है, एक ही बंदा 2 अलग-अलग कैरेक्टर करेगा, लाइक ड्रेस चेंज करके, सिर्फ डबल रोल नहीं है बट ड्रेस चेंज हो गया, फिर ड्राइवर और खबरी ऐसा कैरेक्टर कर दिया और फिर लंबा हो गया। और अच्छा, पूरी फिल्म में हूँ मैं, बहुत थ्रू द फिल्म में, एंड एवरीबॉडी वाज वेरी नाइस टू अनिल सर, अनिल कपूर जी, जॉन अब्राहम जी, अरशद भाई, अरशद वारसी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनके साथ इट वाज मतलब क्या बोलूं, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था, इट्स अ ग्रेट फन। जो अपने पुलकित सम्राट है उनके साथ में एड फिल्म कर चुका था, फिर डॉली की डोली फिल्म कर चुका था तो वो पहचान थी, और मुकेश तिवारी, जाकिर हुसैन, ये अशोक समर्थ, इनाम उल हक, ये सारे एक्टर्स कहीं ना कहीं हम टकराए हुए थे। मुकेश भाई से पहली बार मिला था, अच्छा भाई बहुत मेरे अच्छे मित्र बन गए वो, हम लोग अभी भी कांटेक्ट में हैं, मुकेश तिवारी जी, तिवारी, अच्छा हाँ, मुकेश, ही इज आल्सो अ गुड परफॉर्मर, तो करेक्ट वो है कनेक्शन, हम लोग बहुत लंबी लंबी बातें भी होती थी सबके साथ में, एवरीबॉडी नोज मी बाय माय नेम इन दैट यूनिट, बिकॉज़ पता नहीं वो आई वाज एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर 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 सीन में हम लोग थे, सम पूना वाला आपके चाहक बोल रहे हैं कि डप्पा एंड घंटी इज माय फेवरेट कैरेक्टर, एग्जैक्टली वो इसमें था, माय नेम इज लखन का कैरेक्टर था उसमें, परमीत सेठी जी थे और अर्चना जी के, और मेरे सीन्स बहुत एंजॉय करते थे क्योंकि वो बात बात पे मुझे थप्पड़ मारती थी, तो एंजॉयिंग दैट अ लॉट, उसका सेकंड सीजन आएगा, और श्रेयस भाई के साथ काम कर लो यार आप एक बार, बिंदास करके जो दोस्त है वो बोल रहे, थैंक यू भाई, आपका प्यार है दोस्त, प्यार बना के रखना, योर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, smile, all our best, how sweet of you, thank you so much buddy, thank you. really really appreciate, wow bhai bahut, acha mujhe baat bata hetal, ha bhai kya kiya tune itne din ghar pe baitha hai, kya kiya bhai, dekh pehle starting mein to aisa tha ki kaise time spend kare pata nahi tha, to web series dekhna shuru kar diya sara web series chhan mara, game of thrones dekh diya jo mere ko kafi time se dekhna tha, फिर वो आ, 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 दूसरे बहुत सारे वेब सीरीज थे, एक अपना द गुड डॉक्टर करके एक बहुत बड़ी वेब सीरीज थी, 22 एपिसोड की, 7-7 सीजन थी, वो खत्म की, कौन सी प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पे है, हाँ नेटफ्लिक्स पे, अच्छा गेम ऑफ थ्रोन्स तो भाई ऐसा है कि मेरे भाई सबको देखनी चाहिए, सभी एक्टरों को देखनी चाहिए, और मनी हेस्ट 22 एपिसोड की 4 सीजन बनाई है, कड़क बनाई है भाई, तूने बताया था उसे, तीन सीजन चौथी आने वाली है, चौथा आने वाला है सीजन, करेक्ट, उसमें मनी हेस्ट में सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है तुम्हारा, मेरे को वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो प्रोफेसर, अपना प्रोफेसर बहुत क्यूट है भाई, बहुत क्यूट, मुझे वो अच्छा लगा, क्या नाम है उसका, वो बीच बीच में हंसता है ना वो भी बहुत मस्त था, वो भी बहुत मस्त है, कैरेक्टर सारे बहुत मस्त है, मैं तुम्हें बताऊं, एक अथुरो करके जो था अंदर, जो सबको भड़का रहा था साला, इतना खतरनाक कैरेक्टर, पहले सीजन सेकंड में भी था, सेकंड में भी भाई, वो बंदा पता है ना, वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है, वो मैनेजर भाई, और वो उस बंदे की वजह से इनका कैप्टन दिखाया है,
उसका भाई, प्रोफेसर का भाई, भाई उसका भाई है, प्रोफेसर का भाई, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत मस्त था वो कैरेक्टर। और सेकंड सीजन में भी, थर्ड सीजन में भी उसका, उसको और एक दोस्त आया था, वो दोनों कैरेक्टर वो बहुत बहुत कड़क थे, बहुत कड़क। अब मेरा सबसे भाई तो ऐसे ही, पहले पहले तो प्लेटफॉर्म कौन सा है तुम्हारा, व्हिच प्लेटफॉर्म सबसे पसंद प्लेटफॉर्म? ओटीटी प्लेटफॉर्म, यार ओटीटी प्लेटफॉर्म में मुझे सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स पसंद है, बट सेकंड में चांस देता हूँ हॉटस्टार को, बिकॉज नेटफ्लिक्स ना बहुत मतलब बहुत और सब्जेक्ट्स लेके आ रही है। एग्जैक्टली मेरा भी सेम ही है, नेटफ्लिक्स ही है। मैंने तूने वो स्पेशल ऑप्स तो देखी होगी ना, स्पेशल ऑप्स अच्छी वेब सीरीज बनाई है लोग ने, नीरज पांडे ने एक्चुअली में, अच्छा अच्छा काम था मेरा उसमें, मेरा उसमें कैरेक्टर भी अच्छा था। Amazon भाई अच्छी अच्छी सीरीज आती है भाई, मेरी भी सीरीज है वहां पे, देखो तुम, मुझे बताओ ना वो नाम बताओ ना मुझे, मैं देखता हूँ। Amazon, Amazon Prime पे मेरी एक कॉमेडी सीरीज है जिसका नाम है शैतान हवेली। शैतान हवेली, हाँ, ये शैतान हवेली का नाम सुना है, इसमें वो जाहिद भाई भी थे? हाँ, वो भी थे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जाहिद भाई भी। अच्छा अच्छा, जाहिद भाई बहुत अच्छे दोस्त, वो इंसान भी बहुत मस्त। हाँ तो वो हमने वो शूट की थी जवार में, और हाँ, जवार में एक वो पैलेस है बहुत पुराना, हाँ, वहाँ पे अब हाँ, कोई रहता नहीं है, बट वहाँ केयर टेकर होते हैं, बट हॉरर कॉमेडी है हमारी। मैं जरूर देखूंगा भाई, जरूर देखूंगा। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ, बोलो ना बोलो ना। वो जो राम से बंधु जो फिल्म था ना हॉरर, और हाँ, तो उस तरह का एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जिसका मैं कैमरामैन भी हूँ, दोस्त भी हूँ और प्रोडक्शन वाला भी हूँ। तो हम लोग ऐसा एक फिल्म प्लान करते हैं वहाँ पे बनाने का, ऐसी जगह हम ढूंढते हैं जिसका बजट कम हो, क्योंकि लो बजट फिल्म है हमारी, हमने लो बजट ही तो बजट का, तो हमने जो लो बजट लोकेशन है उसको चुना है, बट उसका बजट लो इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी हॉन्टेड है, वो मतलब वो सीरीज है शैतान हवेली, मुझे लगता है सब लोग देखना चाहिए। मैं जरूर देखूंगा भाई, आप लोग भी सब लोग देखिएगा प्लीज, और भाई के साथ अभी और बातें करनी है। मुझे एक बात बताओ भाई कि जैसे आप तो काफी टाइम से मतलब विगरसली भाई लगे हुए हो आप, मेरे को ये बताओ कि ऐसे फिल्मों में जैसे एड्स में तो अभी समझ में आ गया है कि कैसे उनको चाहिए क्या चाहिए, वो समझ में आ गया, फिल्म के लिए कैसे, और जैसे अभी कैरेक्टर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, कैरेक्टर भी मिल रहे हैं, मैं कर भी रहा हूं, लेकिन एक स्टेप अप जाना है। अब जैसे समझ लो कि कुछ कैरेक्टर्स में मुझे लोगों ने पता कर लिया है कि ये डॉक्टर के कैरेक्टर में अच्छा कर रहा है, ये न्यूज रीडर में अच्छा कर रहा है, ये सेल्स गाय में अच्छा कर रहा है, फादर में अच्छा कर रहा है, अब एक स्टेप अप जाना है, कैसे उसमें पैर रखे, कैसे पता करे कि ये कैरेक्टर मेरे लिए अभी बहुत सही होने वाला है? नहीं नहीं ऐसे पता नहीं चल सकता। देखो हमारा ये होता है कि किसी भी एक्टर का ना, जब वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको पता नहीं होता ये कैरेक्टर हिट होगा कि, ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई वो कहानी में किस जगह फिट है वही चीज बताती है कि वो हिट है या नहीं है। वो कैरेक्टर कहानी में जिस जगह फिट है वही बताएगा आपको कि वो कैसे हिट होगा कि नहीं, है ना, ऐसा है। और हम तो हमारे हाथ में इतना ही है कि हमको अलग अलग कैरेक्टर्स ट्राई करने हैं, करते रहना चाहिए फिल्मों में। और मैंने तो मतलब मीरा नायर जो इंटरनेशनल डायरेक्टर है उनके साथ भी काम किया है मैंने। वाओ, क्या उसके साथ क्या किया भाई? और उनके साथ में देखो शूट, मतलब हमने शूट कहाँ किया था, धारावी में ही किया था, मतलब धारावी से मेरा जो नाता है वो बहुत पुराना है, तो बहुत पुराना है। और धारावी में भी एकदम अंदर गंदी जगह में दैट इंटरनेशनल डायरेक्टर, जहाँ से 1 किलोमीटर हमारी वैंस खड़ी थी, 1 किलोमीटर चल के जाते थे, वैंस सिर्फ हमारे चेंजिंग और मेकअप के लिए रखी थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और वो ऐसी गंदी, तो क्या इतना गंदा है धारावी, मतलब बिल्कुल इतना आज भी इतना ही गंदा है वो? नहीं नहीं गंदा है, मतलब ऐसा नहीं, गंदा नहीं करते लोग जानबूझ के, नहीं गंदा नहीं,
बट इतनी इतनी भीड़ है, इतने लोग रहते हैं वहाँ, कंजेस्टेड बहुत है, छोटी कंजेस्टेड बहुत है, मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो अभी वो सारी सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम ये सारी चीजें, फिर वो तो माहौल को गंदा करेगी ना। और क्या है, वहाँ पे मेहनत करने वाले लोग बहुत रहते हैं, और उनका उनका जो पैसा वहाँ पे उनको जितना भी मिलता है, वो कितना संभाल पाएंगे अपने आप को? वो डीओ मार के तो काम नहीं कर सकते ना, ये प्रॉब्लम है। तो उस तरह का वो सब है, तो मतलब गंदा, मतलब एज कम्पेयर टू हम जहाँ रहते हैं वहाँ से वो, मैं बोल रहा हूँ, दैट लेडी वॉज सिटिंग बाई द गटर एंड शी वॉज डायरेक्टिंग अस, really? और ऐसा नहीं कि वो यहाँ कितना गंदा है, यहाँ कितना बात, नो, शी वॉज वेरी काम, बहुत शांत, और उनके दिमाग में सिर्फ काम होता है। यार ये है ना, आदमी बड़ा कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है। वो हर छोटी चीज को वो नहीं देखता, उनको अपना काम देखना है वहाँ पे। उनको पता है जिंदगी में कब जाएंगी, वो पता नहीं है क्या? मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टार्स भी थे वहाँ पे, काम कर रहे थे, उनको पता नहीं वो कब जाएंगे, बट वो काम के लिए गए। और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं जो इससे भी बदतर जगह पर, गंदी जगह पर जाकर शूट करके भी आए हैं, बट उन्होंने कभी उस बात को लेकर, उस बात का बतंगड़ नहीं बनाया कि इसको ऐसे करना चाहिए, यार बहुत गंदा था वो, नहीं, काम काम होता है भाई, हमको गटर की हमारे कैरेक्टर की नहीं, वो है तो हमको रहना पड़ेगा, है ना। कोई कोई ऐसा इंसिडेंट कंचन हुआ है क्या तुम्हारे साथ, जैसे शूटिंग करते वक्त कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिससे लोगों को बड़ा मजा आ गया, या फिर कुछ ऐसा, कुछ एक्सीडेंट जैसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या तुम्हारे? एक्सीडेंट जैसा तो नहीं हुआ, अभी हाल ही में मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ था। ये जो फिल्म थी अपनी पागलपंती, उसमें और सारे हम लोग क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे हैदराबाद में, रामोजी में, तो सारे स्टार, सारे एक्टर सब सेट पे थे, सिर्फ मैं नहीं था, क्योंकि इन बिटवीन मैं एडी को बता के मैं गया था वैन में, है ना, बहुत देर से गया नहीं था, तो मैं नेचर्स कॉल था, तो मैं गया था वैन में, गया करेक्ट। और सर ने सब सेट वर्क कर लिया, कैमरा लग गया, एंगल लग गया सब, एंड उन्होंने रोल कैमरा भी बोल दिया, और उन्होंने पूरा फ्रेम देखा, उनको देखा कि ये कंचन किधर नहीं दिख रहा है, तो he called me on mic, कट 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 बोले, उन्होंने बोला कंचन कहाँ हो तुम, कहाँ, उनको लगा कहीं बैठा होगा, उसको पता नहीं सेट पे, क्योंकि 200-250 लोग थे सेट पे, जूनियर्स और वो सब नहीं थे, तो उनको पता नहीं था। और फिर वो शॉट 5 मिनट के लिए रुका, सारे स्टार्स, तीनों हीरो, तीनों हीरोइन, सारे कैरेक्टर सब सेट पे है, और मैं अकेला रह गया था, भक्ता भक्ता बेचर आया, सर सर सर, मैं बोला यार मैं अभी आया था और मुझे पता नहीं था, मैं बोल के भी आया था, बट सर मुझे पता नहीं था कि इतने जल्दी सब रेडी हो जाएगा, अभी जल्दी रेडी हो गया, क्योंकि फिल्मों का कभी कुछ पता नहीं होता ना, कब कौन कैसे रेडी हो जाए, तो मैं गया, तो जैसे ही वो हमने सेट लगाया था, उसका गेट था, उस गेट से जैसे ही गया, जितने भी सारे एक्ट्रेस थे, जितने भी, सब ने ताली बजाई, क्या बात कर रहे हैं, और सबने ये बोला कि ही इज द रियल स्टार, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर हिम, और सारे एक्टर्स ने, मुझे तो वो थोड़ा सा राहुल गाला हाय लव यू ब्रो इंसिडेंट, यही लाइफ, हमारी लाइफ यही है भाई, यही लाइफ है। तो भाई ऐसा है कि पहले पहले तो वेब सीरीज देखना शुरू रखा, फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम मिला तो दो टाइम मेडिटेशन करता था, सुबह और शाम को दो टाइम मेरे गुरुजी लाइव मेडिटेशन कराने आते थे, सो लाइव मेडिटेशन भी करता था। फिर बीच में थोड़ा टाइम मिला तो ऐसे तुम्हारे जैसे दोस्तों को लाइव बुला के सेशन करता हूँ, अच्छा, जिसमें बहुत मजा आता है, काफी लोगों को जानने को मिलता है, काफी लोग जुड़े मेरे साथ, बहुत सारे लोग जुड़े, जो फैंस लोग थे जिनको मैं मिल नहीं पा रहा था काफी टाइम से, ये लॉकडाउन में मैंने उनको मिलने का मौका मुझे मिला कि चलो ऐसे करके मिलते हैं। पहले तो पहले पहले एक दो दिन तो मैं ही खुद लाइव आ जाया करता था, बट मैंने बोला क्या लाइव है, क्या करूं मैं, क्या बात करूं, सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है मैं आंसर कर रहा हूं। फिर मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, एक दोस्त को फोन लगाया, उधर से एक दोस्त को फोन लगाया, इतनी लंबी बातें चली, इतनी लंबी बातें चली, फिर मैंने बोला ये बड़ा सही है यार,
ये तो बड़ा मजा आ गया यार, एक तो कुछ हुआ नहीं और हमने ऐसे ही इतनी सारी बातें कर ली, हालांकि कभी फोन पे ऐसी बातें नहीं हुई हमारी, उसने मुझे सवाल पूछे, मैंने उनको सवाल पूछे, और इतने सवाल जवाब में इतने सारे पूरी पूरी हिस्ट्री पता चलने लगी भाई। तो फिर प्रॉपर अभी प्रॉपर तरीके से करता हूँ, पहले कंचन को मैसेज करता हूँ, कंचन लाइव होना है, कंचन बोलता है हाँ ठीक है, तो मैं उसका इमेज बनाने भेजता हूँ, इमेज बन के आ जाता है, वो टाइमिंग सेट करते हैं, फिर बीच का जो टाइमिंग होता है उन टाइमिंग में मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेता हूँ, वो भी मेरे बारे में जान लेते हैं, सो क्या परस्पर कन्वर्सेशन अच्छी बन जाती है भाई, और करेक्ट करेक्ट। सबकी और क्या कहानी में है ना, यहाँ तक अगर कोई पहुंचा है तो उसका कोई ना कोई रीजन है, कोई अपनी चप्पलें खींच के यहाँ तक आया है भाई, इतनी मेहनत लोगों ने की है तो ऐसे नहीं पहुंचे ये स्टेज पे, ये लेवल पे, करेक्ट। नहीं, ये तो मतलब यार सबको यही हुआ था कि शुरुआत में सबको यही दिक्कत हुई कि भाई इतना जो एकदम समय मिला है बहुत ज्यादा, उसका बहुत करेंगे क्या, ज्यादा एक उसका करेंगे क्या, सबको तो यही हुआ माइंड से था। ही ज्यादा बिजी हो गए थे यार, पहले तो हम लोग माइंड से ही बिजी हो गए थे, अरे अब क्या कर, हाँ हम अब क्या। लोग, मेरा भी यही ब्लॉक था, मेंटल ब्लॉक यही था कि इतना जो अचानक से बहुत ज्यादा समय मिला है इसका हम करेंगे क्या। तो शुरू के 10-12 दिन तो कट गया, अच्छा चलो यार समय मिला है तो ये वेब सीरीज देख लेते, ये वेब सीरीज देख लेते, ये देखने का रह गया, ये फिल्म देखने का रह गया, ये हो गया वो, तो यहाँ तक गया, फिर वो अब सारा क्या खत्म हो गया, फिर आगे क्या, फिर आगे क्या, दोस्तों को भी वो पूछ हाँ लिया भाई कौन सी वेब सीरीज है बता भाई, और कौन कौन सी हाँ वेब मैंने सीरीज वैसे ही भी किया था तुम्हें कि क्या कुछ नया देखना है भाई बताओ मुझे, तो बता ये हुआ, फिर 10-12 दिन के बाद में मुझे लगा कि यार खैर ये तो बहुत अच्छा टाइम मिला है हमें कि हम अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर ले, तो फिर मैंने भी एक्सरसाइज शुरू किया, मेरी बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा टेरेस है जहाँ पे ज़्यादा कोई लोग होते नहीं हैं, तो और हमारी बिल्डिंग हमने लॉक करके रखी है, 4 गेट है उसमें से 3 गेट लॉक है कंप्लीट, और एक गेट से फैमिली का कोई एक बंदा जा सकता है, तो और ओके पूरी बिल्डिंग 8-15 दिन में पूरी बिल्डिंग हम लोग सैनिटाइज करते रहते हैं, टच हो अभी तक हमारी बिल्डिंग में एक भी बंदा इन्फेक्टेड नहीं मिला है, ओ मैंने पूरा वाओ पूरा ग्रेट संभाला सबने मिलके, तो करेक्ट ये हुआ, फिर बाद में मैंने एक्सरसाइज शुरू किया बहुत सारा, और क्या चार बात घंटे तो मैं एक्सरसाइज ही करता हूँ, अभी ये लाइव हाउस आने से पहले भी में अरे एक्सरसाइज करके आया मैं, वाह हमारे टेरेस पे एक छोटा जिम भी है हाँ हाँ जिसमें वेट्स होते हैं, थोड़े बहुत एक वेट्स एक है, एक कांजन एक दोस्त पूछ रहा है बीइंग राहुल करके, जो हाँ पूछ रहा है राहुल व्हाट गाला, ऑल प्रॉब्लम्स यू गाइस फेस ड्यूरिंग शूट्स नो नो आई विल से व्हेन प्लीज देयर इज प्लीज नो शूट वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिल्कुल यही बताने वाला था कि व्हेन यार देयर इज नो शूट होता शूट है वी आर तब फेसिंग प्रॉब्लम लॉट नहीं ऑफ होते हैं। प्रॉब्लम्स, और ऑन शूट वी आर वेरी हैप्पी, फिर कितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात करना पड़े, मेरे ख्याल से हमने वो सोफा का कोई ऐड भी किया था क्या साथ में, एमएम यस 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 एमएम फोम का MM फोम, वो हमने लोनावला में यस शूट किया था, लोनावाला में किया था शूट। अरे क्या बात है भाई तेरी यादाश्त तो कड़क है एकदम यार, अच्छी MM सोफा का शूट किया था हमने, और करेक्ट शायद वो करेक्ट पहला शूट था हमारा साथ में, हाँ। और तब क्योंकि हम उस जानते टाइम पे जानते ना उस टाइम पे हम जानते नहीं थे इतना एक दूसरे को, इतनी पहचान नहीं हुई थी हमारी। वो हमने 3 लैंग्वेज में शूट किया था ना, तुम लोगों ने किया था क्योंकि मेरा तो वो लिफ्ट मांगने वाला था ना, सो हाँ मैं लिफ्ट मांगता हूँ, आप लोग अंदर सुला देते हो, मैं सो जाता हूँ, तुम दोनों बात करो, तुम और सदा 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 हाँ मैंने और सदा ने किया था क्योंकि 3 लैंग्वेज थी हमें, तमिल थी, मलयालम थी और तुलु थी, हमने तीन तुलु लैंग्वेज में, तुलु लैंग्वेज वो वही थी करेक्ट केरला की, उसमें करेक्ट किया था करेक्ट हमने करेक्ट 3 लैंग्वेज बड़ा में, मजा आया था, पर उस वक्त भी हाँ बहुत मजा आया था तो हम लोग वहां सुबह पर छः रह बजे के। से 6 बजे से रात को 12 बजे तक हमारा शूट हुआ, हाँ क्योंकि आपका वो सुबह सुबह वाला सीन था ना, हाँ अलग पर भाई अलग बहुत टाइम, मजा आया यार, थैंक यू सो मच, तूने इतना टाइम दिया यार, अरे बस आज क्या, मेरा के टाइम प्लेजर, में टाइम ही ज्यादा बेटर है यार, बहुत मजा आया पर यार भाई एक एंड कीप दूसरे से इट अप बात करके। ब्रो,
सी यू ऑन द अदर साइड, टेक केयर एंड बी सेफ, और जल्दी कुछ अच्छा शूट करते हैं। जल्दी से शूट करते हैं भाई, जल्दी से शूट करते हैं, और जल्दी से मिलते हैं सबका।